दो पुलिस वाले एक बस में चढ़ते हैं, खुद को एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का हिस्सा बताते हैं और फिर चार लोगों को किडनैप करने लगते हैं। इसके बाद एंट्री होती है असली पुलिस की। ये पूरा माजरा कहां का है और कब का है विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। 23 अक्टूबर को राजस्थान से एक बस हाईजैक की घटना सामने आती है। एक बस चूरू से झुंझुनू की तरफ जा रही थी। दो आरोपी बस के अंदर पहले से ही मौजूद थे और दो गाड़ी से बस का पीछा कर रहे थे। प्लान के अनुसार बस में बैठी मीनू चोरी का आरोप लगाते हुए एक यात्री से बहस करने लगती है और ये सब प्लान के अनुसार हो रहा था। अब एंट्री होती है दो पुलिस वालों की। बस को एक जगह पर रोका जाता है, वहीं दो पुलिस सिपाही बस में चढ़ते हैं और पिस्टल दिखाकर यात्रियों को डराने लगते हैं और कहते हैं कि बस में पुलिस की रेड पड़ी है, जिसके बाद आरोपी चार लोगों को बस से बाहर उतार देते हैं। इस दौरान बस के एक यात्री ने मामले की सूचना बिसाऊ पुलिस को दी। खबर ये भी है, ये सामने आई है कि भागते वक्त आरोपियों ने अपने गाड़ी से पुलिस बैरिकेटिंग को भी तोड़ा था। हालांकि बाद में घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास एक हथकड़ी और दो पिस्टल होल्डर भी बरामद हुए हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों सिपाहियों की पहचान रिंकू सिंह और अमित कुमार के तौर पर हुई है। सिपाही रिंकू मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात है, वहीं हेड कांस्टेबल अमित कुमार भारनपुर थाने में तैनात था। लेकिन घटना सामने आने के बाद दोनों सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले में शामिल अन्य चार आरोपियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें से बताया गया कि मीनू हॉस्पिटल में काम करने वाली एक रिसेप्शनिस्ट, वहीं इस पूरे मामले में वकील आकाश शर्मा नाम के शख्स का नाम भी सामने आ रहा है। साथ ही मजदूर मुनकात और ड्राइवर अनुज भी इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। पुलिस के अनुसार सिपाहियों ने इन चारों को भी ट्रेनिंग दी थी। ये लोग जाखिया नाम के एक शख्स को, उसकी पत्नी और उसके साथ कपड़ों की फेरी लगाने वाले दो लोगों को लूटना चाहते थे। अब इस पूरे मामले में थाना प्रभारी राम सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी जान लेते हैं। आज दिन में लगभग मैं 12-1 बजे के लगभग हमें सूचना मिली कि साहब एक रोडवेज बस आ रही है चूरू से, और उसमें कुछ लोग उसको रोक के, खासोली जो सदर चूरू इलाके में आता है वहाँ पर रोक के, उनमें से 3-4 लोगों को नीचे उतार के और उनको अपनी गाड़ी में बिठा के और वहाँ से भाग गए हैं। जिस पे हमने कंट्रोल रूम की इतला पे हमने नाकाबंदी की, नाकाबंदी में वो कार जो किया गाड़ी थी यूपी नंबर की, उसको रोकने का प्रयास किया रेड कांस्टेबल ने और टीम ने, लेकिन उन्होंने रोकी नहीं।